कोरोना के दूसरे चरण ने देश के कई राज्यों में कहर मचा रखा है। पड़ोसी राज्यों के बिगड़ते हालात को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रदेशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। इसी कड़ी में अंबिकापुर में बिना मास्क लगाए लोगों का चालान काटा गया, साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाने की समझाइश भी दी गई। इसे लेकर अंबिकापुर तहसीलदार ने बताया कि वैक्सीन आने के बाद लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, जबकि कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। क्या है, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको रोक के हम लोग 100 रुपये का फाइन कर रहे हैं और समझाइश देकर छोड़ रहे हैं कि भाई मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, ताकि कोरोना का प्रसार ज़्यादा और मत बढ़े। तो कमी है, लोग बेखौफ हो चुके हैं, लोगों को लग रहा है कि टीकाकरण चालू हो गया मतलब कोरोना ख़त्म हो गया, बट ऐसी बात कतई नहीं है। अभी टीकाकरण का शुरुआत हुआ है, सभी लोग को नहीं लग पाया है, परंतु कोरोना का दूसरा स्टेज जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों से निर्देश जारी हुआ है कि लोगों को समझाइश दो और जो नहीं मानते उन पर कार्रवाई करें। अभी इसे पालन कराएंगे बट फाइन की राशि में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, शासन का निर्देश है 100 रुपये ही लेना है। शुक्रवार को अंबिकापुर के नावापारा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेडक्रॉस सोसाइटी की तरफ से जिले के पहले प्रथम प्रशामक देखभाल केंद्र की शुरुआत हुई। रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने फीता काट कर इसकी शुरुआत की। इस मौके पर सोसाइटी के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने कहा कि प्रथम प्रशामक देखभाल केंद्र मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। ये आज नवापारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग आए थे। यहाँ पे पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ है, जिसमें रेडक्रॉस सोसाइटी का भी योगदान रहा है। हम लोग का सोच ये था कि इस सेंटर से जो लोग क्रॉनिक लंबी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि कैंसर हो गए और अन्य बीमारी जिनमें साल दर साल बार बार चलता है, जिसमें बहुत दर्द का सामना भी करना पड़ता है, और कई परिवार ऐसे रहते हैं जो घर पे उसकी सारी व्यवस्था नहीं कर पाते, तो उन लोग के लिए एक ऐसा सेंटर रहेगा जहाँ पे एक डॉक्टर से वो लोग अपना कंसल्टेशन भी कर सकें, फ्री में दवा भी उपलब्ध हो सके, और जो कोई प्रोसीजर रहते हैं कई बार जैसे ड्रिप लगाना पड़ता है या और अन्य चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था ये नवापारा सेंटर और रेडक्रॉस के सार्थक प्रयासों से शुरू करने का हम लोग ने प्रयास किया। शुक्रवार को सरगुजा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह देव दरिमा एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और साथ ही जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, साथ ही रनवे को लेकर लोक निर्माण के अधिकारियों से चर्चा भी की। दरिमा में एयरपोर्ट में वहाँ पे एयरपोर्ट डायरेक्टर सर के साथ हम लोग ने साइट विजिट किया था, और वहाँ पे उन लोग को रनवे बढ़ाने का काम चालू कर रहे हैं, और उन लोग को उम्मीद है कि महीने भर के अंदर टेंडर लग के रनवे का एक्सटेंशन का काम चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर अगर ये काम अच्छे तेज़ी से बिना किसी रुकावट के हुआ तो साल भर के अंदर बड़े विमान के लिए अंबिकापुर एयरपोर्ट तैयार होने का उम्मीद है। बेमेतरा के केशटबरी गांव में बोतक मार्ग पर एक ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरा और उक्त व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अब सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू की है। बेमेतरा जिले की नगर पंचायत मारो में एक युवक ने फांसी लगा ली है। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले हरीश मंडले ने अपने ही घर के सीलिंग फैन पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक हरीश मंडले बीए का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है। हालांकि खुदकुशी क्यों की है इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ऐसे में पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज मारो निवासी नवनंद कुमार मंडले चौकी आया, सूचना दिया कि लड़का हरीश कुमार फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। कमरे में सीलिंग फैन के पास लटका है। तब मैं मर्द इंटीमेशन कायम कर मौके पर जाकर देखा, मृतक हरीश कुमार
त्रिकोमल ईश्वर भाटापारा कॉलेज में पढ़ता था। मौत का सही कारण अभी अज्ञात है। गवाहों का कथन मौके पर लिया गया, जिन्होंने भी बताया कि लड़का सही था। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्ट पीएम कराने के लिए नवागढ़ शासकीय अस्पताल भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है, विवेचना जारी है।